हे गाइस, स्वागत आपका टेके बी चैनल पे। तो उस रियलमी जी टी न्यू 3T को एक लेटेस्ट अपडेट मिल चुका है अभी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि भाई रियलमी जी टी न्यू 3T में अपडेट करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा। हम N2 बेंचमार्क भी टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं सेटिंग सेक्शन पे जाकर आपको दिखा देता हूँ कि अपडेट का साइज कितना है और कौन सा अपडेट आया है। तो गाइस देखिए, आप यहाँ पे RMX 3371 11C.09 180MB का अपडेट है। छोटा ही अपडेट है, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। पहले आया था एक 5GB का अपडेट जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस भी बनाए थे और उसके बाद मेरा कोई बग्स वगैरह फेस नहीं हुए, ठीक है। अभी आप इसमें देखोगे 180MB के अपडेट के अंदर क्या क्या मिल रहा है हमको। हमको एक तो सिक्योरिटी पैथ जून का मिल जाएगा 2023, ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी जो कि हमेशा लिखते ही हैं जो भी ये एंड्रॉयड अपडेट्स लाते हैं, खास करके सिक्योरिटी अपडेट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑप्टिमाइज पावर कंजप्शन इन सम सिनेरियोस टू इंप्रूव बैटरी लाइफ एक्सपीरियंस। इसको टेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फुल चार्ज करना पड़ेगा, ड्रेन करके देखना पड़ेगा कि बैटरी इंप्रूव हुई है कि बेकार हुई है, वो सब देखना पड़ेगा। और अभी भी मेरे को इस डिवाइस में 6.5 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है और ये डिवाइस थोड़ा पुराना हो चुका है। मैं इसको 7-8 महीने में यूज़ कर रहा हूँ, तो 7-8 महीने में थोड़ी बैटरी लाइफ तो डिग्रेड होती है, बट मैं इसमें ज़्यादा गेम्स वगैरह कुछ खेलता नहीं हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल यूजर्स में मेरे को 6.5 से 7 घंटे आराम से निकाल के दे देता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इस अपडेट के बाद सबसे पहले तो हम इसमें N2 बेंचमार्क रन करेंगे और जब मैं एक लेटेस्ट नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका तो आपको बैटरी लाइफ भी बता दूंगा कि C.09 अपडेट के बाद रियलमी जी टी न्यू 3T की बैटरी लाइफ कैसी चल रही है, ठीक है। जैसे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हम इस अपडेट को कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू डाउनलोड। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल डेटा में, हमारे पास 5G कनेक्टेड है। इस 5G की स्पीड देख रहे हो आप, बहुत फास्ट है, ठीक है। तो हमने ये डाउनलोड कर लिया है, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद इसमें N2 बेंचमार्क हम रन करेंगे, ठीक है। वो एक्सट्रैक्ट होने ही वाला है, 82-83% हो चुका है। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसमें N2 बेंचमार्क रन करके देखेंगे कि परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हुआ है कि डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो गाइस हमने अपने रियलमी जी टी न्यू 3T को अपडेट कर लिया है लेटेस्ट वर्जन से। आपको मैं दिखा भी देता हूँ सेटिंग्स में जाके, अबाउट डिवाइस। देखिए गाइस यहाँ पे C.09, तो बहुत छोटा अपडेट था 180MB का और इसमें पावर कंजप्शन वगैरह को ऑप्टिमाइज किया गया लिखा था, उसका हम टेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें N2 बेंचमार्क टेस्ट करके देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है कि बराबर रहा है, ठीक है। लेकिन गाइस उससे पहले आप ये बताओ कि 5G स्पीड्स कैसे आ रही है इस डिवाइस के अंदर। मेरे तो काफ़ी अच्छी आ रही है, मैंने आपको भी सामने दिखाया अभी। 180MB का जो अपडेट था यूँ ही डाउनलोड हो गया फटाक से, ठीक है। लेकिन हम चलो अब N2 बेंचमार्क हम टेस्ट कर लेते हैं इसके अंदर कि कैसी परफॉर्मेंस आपको डिवाइस निकाल के दे रहा है C.09 अपडेट के बाद। तो गाइज हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं N2 बेंचमार्क के और भाई साहब अपडेट के बाद परफॉर्मेंस देखो आप। जो N2 बेंचमार्क है 7,89,000 पहुंच चुके हैं यार, मतलब 8 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं। CPU को मिले हैं 2,20,000, हमारे GPU को मिले हैं 2,18,000। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुआ है यार, मतलब बेंचमार्क रिजल्ट्स आप देखो 7,80,000। तो बेझिझक आप इस अपडेट को कर सकते हो यदि परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है। कैमरा वगैरह एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ, पोर्ट्रेट हो चाहे फोटो मोड्स हो चाहे हमारे स्ट्रीट हो नाइट व्यू मोड हो, यहाँ पे मेरे को कोई भी लैग वगैरह नहीं दिख रहा है, आराम से फ़ोन चल रहा है, ठीक है। मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसको, मैं कर देता हूँ डिसेबल, मेरे को नहीं चाहिए पर्सनलाइज सर्च। आप भी इसको डिसेबल करके ही रखना, ठीक है, कोई काम का नहीं है, बकवास है, ठीक है। ओके, डोंट शो मी अगेन, ओके इट्स फाइन, ठीक है। तो गाइस परफॉर्मेंस में तो मेरे को इसमें कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे इस अपडेट के बाद, C.09 अपडेट के बाद। उल्टा इसका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुआ है, हमने N2 बेंचमार्क में देख ही लिया है। बैटरी लाइफ कैसी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं इसका ड्रेन टेस्ट कर लूँगा आराम से, इसका स्क्रीन ऑन टाइम को बता दूंगा कि C.09 अपडेट के बाद बैटरी लाइफ भी कैसी है, ठीक है। तो यदि आप मेरे से पूछ रहे हो कि इस अपडेट को करें कि नहीं करें, तो गाइस कर लो, काफ़ी अच्छा अपडेट है, 180MB का अपडेट है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है तो वो और भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कोई भी डाउट रहता ना तो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।